नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज बीपीए न्यूज चैनल में डॉक्टर शरद बाजपेयी नेत्र रोग विशेषज्ञ ने ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी के बचाव व सुझाव दिए। आइए सुने उनको। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, कैनको हॉस्पिटल। सर, इस वक्त जो महामारी चल रही है कोरोना, अभी सुनने में आया है कि ये ब्लैक फंगस का रूप ले रही है, तो ये किस तरीके से रूप ले रही है और आंखों में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें और क्या बचाव हैं उसके, वो भी बताएं सर। ये जो ब्लैक फंगस है, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक रेयर फंगस है, लेकिन इस बार जो कोविड की सेकेंड लहर आई है उसमें इसको बहुत रूप में पाया जा रहा है। ये एक बहुत ही फैटल बीमारी है, लेकिन उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो पोस्ट कोविड या कोविड के उपरांत जिन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स का बहुत प्रयोग किया गया है, या ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कि कोई इनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स हैं जो वी के अंदर से, या उन पेशेंट्स में, या वो पेशेंट जो कि ICU या SDU में भर्ती रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन ट्यूबिंग के थ्रू दी गई, उसमें ये फंगस बहुत पाया जा रहा है। और इस फंगस का कारण ये है कि ऐसी सरफेस में जो वेट सरफेस होती है ICU में, जहाँ पर वही ट्यूबिंग यूज हो रही है, या जो लोग जो है बहुत मिट्टी या वेट एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर इस फंगस को बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। तो मेरी लोगों को ये राय है और हिदायत है, क्योंकि इस फंगस में आपके पास जो है डिस्कलरेशन ब्लैक हो जाता है, नाक के थ्रू फंगस प्रवेश कर जाता है, लंग में चला जाता है, और चूँकि आँख और नाक का प्रवेश होता है, इसलिए ये ब्रेन की तरफ इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। पर ये बहुत फैटल फंगस है, क्योंकि अभी इसकी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है पूरी तरीके से, और जो दवाइयाँ उपलब्ध हुई हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं और अवेलेबल नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री भी नहीं बना रही है, इसलिए सरकार भी इसको विशेष ध्यान दे रही है। तो मुझे हिदायत यही देनी, लोगों को ये राय देनी है कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हमारे, वो कोविड होने के उपरांत भी उसी तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, रेगुलर वॉश करते रहें, क्योंकि ये बाद में जब हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो इस तरह के फंगस हम शरीर का बहुत ज़्यादा प्रवेश करते हैं और फैटल होकर के जीवन जिंदगी तक लोगों की ले सकते हैं। इसमें कई बार आँखों में इन्फेक्शन जैसे फैल जाता है तो आँख निकालनी तक पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में इसको बचाव करने के, इससे बचाव बहुत ज़रूरी है, और हमको मास्क का प्रयोग लगातार करना है। जैसे अभी कानपुर में भी कुछ केसेस देखने में आया, हेलट में हाल ही में केसेस देखने में आया, तो क्या ये बहुत पेचीदा रहा या वो सही हो गया, कैसे क्या हुआ सर, बता सकते हैं? बारे में जांच हो रही है, क्योंकि वैक्सीन द्वारा उसको कंफर्म किया जा रहा है कि ये सब केसेस ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस ही है या कुछ और है, लेकिन जिन पेशेंट्स में इस तरह की समस्या आ रही है उनका इलाज फंगल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, और इसकी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं एम्फोटेरिसिन बी वाला इंजेक्शन जो महंगे होते हैं, वो सरकार द्वारा कानपुर में आज ही अखबार समाचार पत्र में आई है कि सरकार उसको जो है वो उपलब्ध करा रही है, और क्योंकि ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, सरकार उसके लिए प्रयास करता है। सर, जैसे इम्यूनिटी देने के लिए जो है ये स्टेरॉइड देते हैं, तो ये क्या किस हद तक ये सही है? इम्यूनिटी देने के लिए नहीं स्टेरॉइड, इम्यूनिटी तो इससे कम होती है स्टेरॉइड से। एक्चुअली क्या होता है, जब ये कोविड होता है उस बार का जो वेरिएंट है बहुत खतरनाक है, वो लंग में इन्फ्लेमेशन सूजन दे देता है, और स्टेरॉइड हम ये मानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन को कम करने में स्टेरॉइड सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। तो जब उसका बहुत प्रयोग होता है तो उधर सूजन तो कम होती है, लेकिन इम्यूनिटी व्यक्ति की कम हो जाती है, शारीरिक लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अपने को बचाव रखना है, स्ट्राइड भी जो चले हों, जो ICU में भर्ती रहे उन पेशेंट्स को बहुत बचाव करना है। तो कहीं पे ये सर स्टेरॉइड जो ये हार्मफुल भी है? नहीं, हाँ वो तो सच है कि कोई भी दवा कहीं पर रामबाण है कहीं पर जहर के रूप से कार्य करती है, तो जहाँ आवश्यकता है इसकी बहुत आवश्यकता है, जिसको बहुत समझ के देना है, हर पेशेंट को नहीं देना, जिसको आवश्यकता है उसको देना है, ये नहीं कि रेगुलर हर पेशेंट को दिया जाए, और जहाँ पर है वहाँ ये लाइफ को बचा रही है, जान लाइफ सेविंग मेडिसिन भी है। अभी हाल ही में जैसे पता चला है कि जो ये तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से बचाव करें इस तीसरी लहर के लिए, बच्चों को खासकर? दूसरी लहर में जो
कमियां रही, जो खामियां रही, इससे हमें एक शिक्षा दी है हमारी सरकार को, हमारे जनमानस को एक शिक्षा दी है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, तत्पर हैं, सरकार भी तैयार है और जनमानस भी तैयार है। लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, मैं रोज पे देखता हूँ, सड़कों पर देखता हूँ, लोग जो है मास्क का रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए सरकार ने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और जितने बेड्स हैं बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाली तीसरी लहर में हम इस तरह की जो एक गंभीर समस्या पैनिक पूरे देश में फैला, ऐसा शायद नहीं होगा। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।